Asalaamu As Alaikum, everyone. I hope you all are fine, happy, and healthy. You are most welcome to this channel lecture series of modern essays. I wish and pray that you all are fine, happy, and you are saved from the prevailing pandemic. If you are new and watching this video for the first time, you can subscribe the channel and get connected to get further videos. Uh, today, we are going to study our fourth modern essay, that is Take the Plung by Gloria Emerson. Uh, I hope that that lecture must be beneficial for all of you. And in this lecture, we are going to cover four to five things title of the essay, story of the essay, text analysis and main points, important questions or quotations explained. Our message of the essay. This essay is also short, brief and important. This is the life event of a girl who was weak physically but she was mentally and morally very high and she wanted to do something. This would encourage you as a learner as well as as a young learner. If you want to achieve any goal and there are hurdles and obstacles in your way. Just understand the situation and go forward with your hurdles. Face all these obstacles, face all these hurdles, and prove the world that you can do and you can overcome all these hurdles. Because the person who says that I don't have any hurdles, he lies. Because hurdles are life, and the person's हु ट्राई टू रेकग्नाइज द हर्डल्स जो उन हर्डल्स को रुकावटों को रेकग्नाइज कर लेते हैं कि यस दीज आर थिंग्स दैट मे डिसेज मी और दैट मे दैट आर माई वीकनेसेस उनको रेकग्नाइज करने के बाद उनको ओवरकम करना कि अब इनको ओवरकम कैसे करना है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए एंड दैट ग्लोरिया एमरसन डेड कि अपनी फिजिकल वीकनेस को देखा अपने आप को देखा अपने सराउंडिंग्स को देखा और कुछ ऐसा करने का सोचा जिससे वो दुनिया को ना सिर्फ सरप्राइज करेगी बल्कि दुनिया को मनवा के रहेगी कि शी वॉज द गर्ल दैट कुड डू इन स्पाइट ऑफ ऑल द वीकनेसेस इन स्पाइट ऑफ ऑल द फिजिकल वीकनेसेस ओके वी मूव फॉरवर्ड टू आर फर्स्ट टॉपिक दैट इज टाइटल ऑफ द दम्बोलिक मीनिंग इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं टाइटल क्या है टेक द प्लॉंग कूद जाना छलांग लगा जाना प्लंग जो है दैट इज डिफरेंट लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम जंप कि जंप जो है छलांग लगाना इट्स माइनर मीनिंग है कम लेवल की जंप है या कम लेवल का टास्क है माइनर लेवल का कोई काम है तो डिफिकल्ट नहीं है जबकि प्लंग इतना कूदना डूब जाना किसी काम में उसको करने के लिए रिस्क ले जाना एडवेंचरस काम कोई एक्सपेडिशन करना और टेक ले लेना एकदम से मतलब कोई चीज डिसाइड करना एंड यू स्टिक टू इट उसके बाद आप उसको कर लेते हैं इट सिग्निफाइज एनी डेरिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी टास्क जनरली इट कैन बी अप्लाइड टू ऑल हु वांट टू टेक एनी डिसीजन और परफॉर्म एनी एक्शन ऑब्वियसली जब हम इस टाइटल को देखते हैं तो टाइटल सिग्निफाई करता है कि टेक द प्लंग इट शोज द डिसीजन ऑफ द राइटर कि वो कुछ करना चाहती थी देअर एंड देन शी डिस एंड देन शी डिड इट एंड देन लाइक द राइटर डिसाइड टू टेक द प्लान दिस टेल्स हर कॉन्फिडेंस टू टेक डिसीजन एंड देन रेजोल्यूशन टू अबायड बाई द डिसीजन वी जस्ट सी द पीपल इन आर लाइफ दोज डिसन थिंग एंड देन दे से हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे ये भी हो जाएगा वो इैशनल डिसीजनस होते हैं इ रैशनल वर्ड्स होते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू डू एनी थिंग इन योर लाइफ सो यू टेक द प्लान एक दम से डिसीजन तब आता है जब बैक माइंड में या बैक लाइफ में कहीं पर होमवर्क हुआ वह होता है सराउंडिंगस में एक्सपैरामेंट्स पीरियंस में एनवायरमेंट में कहीं न कहीं पर आपकी कोई ना कोई जो वीकनेस है या तो वो आपको कहीं ना कहीं नज़र आ रही होती है या आपकी कोई अच्छी क्वालिटी जो होती है सुपीरियर बींग आप हो रहे होते हैं किसी जगह पे आपकी कोई सुपीरियर क्वालिटी होती है वो हाईलाइट हो रही होती है तो ऐट द मोमेंट जब आपको चांस मिलता है जब आप एक टाइम पे आते हैं कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है आप कहते हैं येस आई कैन डू दिस मुझे ये करना है एंड दिस आर राइटर डेड ये हमारी राइटर जो ग्लोरिया एमर्सन है उसने ये किया है उसको अपनी सारी फिजिकल वीकनेसेस हंच बैक का बैड एंकल्स का बैड बैक का और अपनी आईसाइट का और उसे जो एक प्रसीजन का डेफिशेंसी थी कि लगता है सारी गाड़ियाँ मेरी तरफ आ रही हैं वो एक डिफरेंस था उसने सारा कुछ देखा हुआ था सब कुछ अब वो कुछ ऐसा करना चाहती थी लाइफ में जिससे इन तमाम चीज़ों को वो कवर कवर अप कर सके वो दिखा सके दुनिया को कि यस आई वाज वीक बट आई वाज स्ट्रांग मेंटली मेरा रेजोल्यूशन बहुत स्ट्रांग था मैं ये कर सकती थी देन टू प्रूव ल्फ वो अपने आप को प्रूव करना चाहती थी कि वो एक स्ट्रॉन्ग गर्ल है और वो ये काम कर सकती है ओके मूविंग फॉर्वर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव स्टोरी ऑफ हम देखते हैं कि कैसे उसने डिसाइड किया या वो किस तरह की थी क्योंकि उसकी जो पर्सनैलिटी है फिजिकल पर्सनैलिटी की जब आ जाती है बात तो इफ़ यू मस्ट हैव द बुक्स तो टेक्स्ट बुक्स में जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें बहुत अच्छे हिट्स उसकी फिजिकल पर्सनैलिटी को लेके बयान करने के लिए हैं कि कैसे वो नाइट दिस वॉज ना इधर ग्रेसफुल नॉर सेल्फ पोजेस्ट बैड बैक अनसर्टन एंकल्स एंड कूड नॉट ड्राइव विथ कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेंस बिकॉज ऑफ डेफिशेंट डेप्थ परसेप्शन एंड अ फीयर ऑफ ऑल बस इज कमिंग टूवर्ड्स मी ये उसका इंट्रोडक्शन है या ये उसका फिजिकल अपेयरेंस है ये आप जरूर देखें ज़रूर पढ़ें ताकि आपको आइडिया हो कि उसका अपना जो फिजिकल मेंटर था या फिजिकल स्ट्रक्चर था या अपने बारे में या लोग उसके बारे में जो व्यू पॉइंट्स थे वो क्या थे और ये वाली लड़की थी जिसकी स्टोरी जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी स्टोरी वो फर्स्ट पर्सन में बयान करती है यानी कि खुद बयान करती है अपनी स्टोरी आई का वर्ड यूज करते हुए फर्स्ट पर्सन का मतलब यही होता है एंड देन उसके जो है वो एक्स्ट्रा नहीं थी लेकिन वो कुछ करना चाहती थी उसके साथ फ्रेंड्स जो थे उसका मजाक उड़ाते थे और एक तो एक दफ़ा तो तो उसे फ्रेंड जोक करती है कि इफ़ आई ब्रोक माय बोन्स आई वुड हैव टू बी शॉट बिकॉज आई वुड नेवर मैंट कि अगर तुम गिर गई या तुम्हारी हड्डियां टूट गई तो तुम्हें तो हमें शूट डेड करना पड़ेगा यानी तुम्हें हमें फायर करना पड़ेगा तुम तो कभी भी रिकवर नहीं कर पाओगी अपनी तुम्हारी हड्डियां कभी ठीक नहीं हो सकेंगी तो ये सारा सीनारियो है उस लड़की का और उसने इस सारे चीजों को देखते हुए यानी एक साइड पे ये एक माउंटेन है एक पहाड़ है जो उसे क्रॉस करना है इतने लोगों के नेगेटिव पॉइंट्स हैं डिस्करेजमेंट है उसके बावजूद उस, उसने क्या कहा है आई वांटेड टू बी ब्रेव अबाउट समथिंग उसने कुछ करना था बहादुर बनना था बहादुर कहलाना था देन जो है वो क्या करती है उसे जंपिंग जो है वो परफेक्ट नजर आ रहा था कि यहाँ पे मुझे कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा मेरा मेंटल कैलिबर बिकॉज उसका पहले वीक था वो रोड उसको नजर आ रहे होते थे कि गाड़ियां मेरी तरफ आ रही हैं तो वो ये चाह रही थी कि वो जंपिंग कर लेती है पैराशूट जंपिंग क्योंकि आसान होगा उससे बैक पे थोड़ा फोर्स लगेगी वो बूट वगैरह पहन लेगी हेलमेट पहनेगी और ये हवाओं में उड़ेगी देन जो है वो कैसे आई इसकी तरफ उसके फ्रेंड्स जो है उसे लेके आए औरज 70 माइल्स वेस्ट ऑफ बॉस्टन में जहाँ पे उसने यूएस स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप को ज्वाइन किया ये एक एक्स मैरीन नेम्ड डेक्वस आइल जो है उसने ऑर्गेनाइज की थी फर्स्ट यूएस की पैराशूटिंग टीम जिसमें ग्लोरिया मर्सन ने ज्वाइन किया और उसने इसमें कुछ जो है ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस ली हैं वो वहाँ आती है वहां पर इंस्ट्रक्शन मिलती है समझाया जाता है कि कैसे जो है इसको कैरी ऑन करना है कैसे लेना है और कैसे पैराशूट जम्पिंग करनी है यस शी थॉट एंड डिसाइडेड टू टेक पैराशूट जम्प बिकॉज इट रिक्वायर्ड नो टैलेंट और इंडियोरेंस इसपे हम बात कर चुके हैं देन शी गॉट ब्रीफ इंस्ट्रक्शन एट यूएस पैराशूटिंग सेंटर शी एन लिस्टेड हर सेल्फ इन द फर्स्ट यूएस पैराशूट ओ माई गॉड हेयर आई हैव गॉट मिक्स मिस्ट ऑफ पैराशूट स्पेलिंग्स यू कैन चेक पैराशूट स्पेलिंग्स फ्राम योर बुक और ऊपर जो है अगली ऊपर वाली लाइन में पी ए आर ए सी एच यू टी ई पैराशूट जम्पिंग टीम एंड अटायर्ड स्पेसिफिक ड्रेस शूज हेलमेट एंड हर बैग टाइड विद पैराशूट रोप्स वो अब प्रॉपर पैराशूट रोप्स जो हैं रस्सियाँ जो हैं उसमें उसे बिठा दिया गया है पहना दिया गया है फिर जो है वो क्या करती है कि उसे दो एक और पर्सन के साथ एक कैसना 180 में उसे बिठाया गया है मॉर्निंग बहुत जबरदस्त है वो बहुत अच्छा फील कर रही है यानी उसका जंप सूट है सारा इक्विपमेंट उसने पहना हुआ है और उस पर्सन के बारे में जो उसने साथ उसके बिठा दिया गया है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि ये इसके साथ क्यों बिठाया गया है नहीं होना चाहिए था फिर क्या होता है कि वेन माई टर्न केम जब इसकी बारी आती है

पर्सन है जो मैन है जिसने उस उसे पुश करना है वो रेडी है और वो शाउट करना चाहती है उसके ऊपर बट जो पर्सन है वो उसे ऐसा करने नहीं देगा क्योंकि उसे नज़र आ रहा है कि शी इज़ गोइंग टू लाइक रिबेल और डू दैट लेकिन वो उसे पुश अप कर देता है जब वो उसे पुश करता है और उसे ऑर्डर करता है कि नाउ और आउट कि अब और बाहर बस अब टाइम हो आ गया है यू कैन गो आउट फिर क्या आता है कि वो कहती है अब चॉइस वॉज नॉट माइन कि मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती थी मुझे क्या करना था हवा के दोष पे उड़ना था मुझे जाना था उसे थोड़ी सी एक्सप्लोसिव साउंड आती है पीछे से उसका नोज जो है वो रन करना शुरू हो जाता है नाक बहना शुरू हो जाता है क्योंकि अ थर्स्ट ऑफ एयर जैसी वो फौरन उसे पुशअप किया जाता है उसका जो पैराशूट है वो एक प्लॉप की साउंड के साथ फौरन खुलता है हवा के थपेड़े लगते हैं और उसकी नाक मुंह बहना शुरू हो जाता है यहाँ पे उसकी फीलिंग्स जो है वो थोड़ी सी ड्राई हो रही है या वो कंफ्यूज हो रही है बट शी इन द नेक्स्ट मोमेंट इन द नेक्स्ट पैराग्राफ वो क्या कहती है उसने अपने आप को काम और कंपोज कर लिया है कि नो फाइन अब तो हो गया है अब वो ठीक हो गई है अब वो स्काई को भी देख रही है मॉर्निंग को भी देख रही है इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया है और कह रही है इतना स्काई खूबसूरत आसमान है तो मैंने कभी पहले देखा ही नहीं था जिंदगी में और मुझे नहीं उम्मीद कि मैं दोबारा कभी जिंदगी में देख सकूंगी और उसको सारी चीजें जो है वो बहुत खूबसूरत नजर आना चाहिए और उससे लग रहा है कि अब ये जो पैराशूट है ये खिलौना हो गया है ब्यूटिफुलर्डिंग टॉयटेबल इजीली हैंडलता है नर्मो नाजुक सा खिलौना बन गया था मेरे लिए तो ये बहुत उसकी खूबसूरत चेंज इन फीलिंग आता है यानी उसकी फीलिंग अपने बारे में हमेशा से ये जो सारा वो बयान कर रही है उसमें सेम नहीं रहती हैं बट आर फीलिंग कीप ऑन चेंजिंग पहले वो थोड़ा सा डरी हुई थी नर्वस थी उस पेश आउट करना चाहती थी वॉशरूम जाना चाहती थी उस पर्सन के साथ वो कह नहीं बैठना चाहती थी उसके सामने लेकिन जैसे ही वो हवा में आई है लैंडिंग की तरफ जा रही है तो उसे सारी दुनिया जो है खूबसूरत लगना शुरू हो गई है ऐसे लग रहा है कि जो ट्रीज हैं और स्काई है अर्थ है कलर टेक्सचर्स हैं एवरीथिंग हैज़ बिकम ब्यूटिफुल और हर चीज़ उसे जो है हेल्पफुल लग रही है कि नाउ आई एम एट द राइट हैंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आई लैंड ऑन माई फीट फाइनली शी लैंड ऑन माई फीट एंड इन दिट विदेडलीस शी डिड इट दैट वॉज अ ग्रेट फिन दैट शी है उसने ये कर दिखाया देन जो है उसे एंड पे कंग्रेचुलेशन के मैसेज आते हैं उसे सेरेमनी में बुलाया जाता है और बहुत अच्छा फील करती है इस बारे में ओके मुविंग फॉरवर्ड स्टोरी आई होप दैट वुड लव इट एंड अंडरस्टैंड इट इसको अंडरस्टैंड करने के बाद हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास इसमें टेक्स्चुअल एनालिसिस कौन सा है या मेन पॉइंट्स हमारे कौन से हैं थीम्स कौन से हैं और इसी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको बता दूंगी ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हम फर्स्ट पैराग्राफ में एक ऐसी लड़की का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं विजिकली वीक अगर लो वीक टेक्स फिजिकल टेक्स्ट डिसाइडेड टू जम्प वाई बिकॉज शी वॉन्टेड टू बी ब्रेव अबाउट समथिंग उसका पर्पज क्या था क्या वो हमें डायरेक्टली बताती है कि मेरा पर्पज़ क्या था येस इन दैराग्राफ स्टेट क्लियरली क्लियरली बता देती है शी वॉन्ट टू बी ब्रेव अबाउट सम थिंग उसे किसी भी चीज के बारे में बहादुर बनना था बिकॉज क्यों बहादुर बनना था लोगों के जो जोक्स थे उसके बारे में और उसके बारे में जो ओपिनियन थे वो अच्छे नहीं थे वो बहुत डिस्करेजिंग और डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स थे बिकॉज अगर कोई भी फिजिकली हेम्पर्ड पर्सन हो और सब उसे एक सेम्पत्ति uh, दे रहे हों और सब उसका जोक बनाते हों कि ये ये नहीं हो सकता दिस दिस कॉन्ट बी डन बाय दैट पर्सन तो वो कहीं ना कहीं लाइफ में आके सोचता जरूर है कि नाउ आई हैव टू प्रूव देम रॉन्ग तो यही ग्लोरिया मर्सन ने सोचा किया कि नाउ आई वुड प्रूव माई सेल्फ इन अ क्लियर वे मुझे अपने आप को प्रूव करना है और सबको रॉन्ग प्रूव करना है कि आई कुड डू एनी ये कर सकती थी क्योंकि ये थोड़ा सा डेयरिंग काम था जो पैराशूट जंपिंग था और इसमें फिजिकल स्किल ही इन्वॉल्व थी थोड़ी सी कि फिजिकल टेस्ट इन्वॉल्व था कि इंसान की पर्सनैलिटी का टेस्ट तो बाद में आएगा लेकिन फिजिकली पैराशूट को हैंडल करना अपनी लेग्स को ठीक करना जैसे जो पायलट्स होते हैं वो स्ट्रांग मेंटल कैलेबर के होते हैं वो कैसे मैन करते हैं तो इसी तरह उसको लगा कि ये राइट right डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में अगर मैं गई तो मैं खुद को प्रूव कर सकूंगी फिर हम देखते हैं उसके बारे में जब हम उसकी फिजिकल टेक्सचर को बयान करेंगे पर्सनैलिटी को बयान करेंगे और फिर उसका पर्पज स्टेट करेंगे तो हम अप, अपने इसको आंसर को गार्निश करने के लिए ब्यूटिफुल बनाने के लिए कोटेशंस ऐड कर सकते हैं शी वॉज नीदर ग्रेसफुल नॉट सेल्फ पोजस्ड हैड अ बैड बैक अनसर्टन एंकल्स एंड डेफिशेंट परसेप्शन ये आप मार्कर से हाईलाइट कर सकते हैं अपने आंसर्स में शी वॉन्ट टू शो दैट डिस्पाइट बी विंग शी कुड परफॉर्म वंडर्स इफ इट she was a a little scared when boarded जब उसका पैराशूटिंग ऑपरेशन स्टार्ट होता है और वो वहाँ पे बैठ जाती है उसको वहाँ पे बोर्ड यानी सवार किया जाता है छोटे जहाज के अंदर प्लेन के अंदर और उसे वहाँ पे बिठाया जाता है तो ये उसकी फीलिंग्स है कि वो क्या करना चाहती थी वो वॉशरूम जाना चाहती थी शाउट करना चाहती थी भाग जाना चाहती थी उसे वो पर्सन जिस के साथ उसे बिठाया गया उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था इसका चेंज इन फीलिंग्स हम नेक्स्ट पैराग्राफ में फौरन से देखेंगे कि कि जब जो कह, कहती है, कि उसे ऑर्डर कर दिया जाता है यानी इशारा किया जाता है कि गो नाउ और आउट जब उसे ये कहा जाता है तो उसके पास चॉइस नहीं रहती कि कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था बस क्या होना था मुझे हवा ने एक धक्का देना था और मुझे खुद को ऐसा पांच किए जाना था कि बस मुझे पांच लगे हवा का मैंने खुद को हवा के दोष पे छोड़ देना था यहां पे भी हम देखते हैं कि उसकी फीलिंग्स जो है वो नॉर्मल चल रही हैं क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बात हमें देखने को नहीं आ रही वो तो लिटल स्केयर्ड है कन्फ्यूज है थोड़ी सी फिर द पैराशूट ओपन विद अ प्लॉप यहाँ पे वर्ड है ओपन विद अ प्लॉप एंड शी हैड टू गो विद द विंड अ एंड नर्वस फर्स्ट ट्राइड टू बी कम्पोज ये उसकी फीलिंग्स आप बयान करेंगे कि उसकी जो फर्स्ट फीलिंग्स थी वो बहुत ज्यादा हमारे लिए लाइक अ रीडर इनकरेजिंग नहीं थी अ लिटल कन्फ्यूज और नर्वस थी देन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ वी सी वी ऑब्जर्व अ क्वाइट सडन चेंज इन आर फीलिंग्स इन हर एक्सपेरिमेंट टूवर्ड्स नेचर हम फौरन से चेंज देखते हैं बिकॉज उसने पहले कहा पहले ही पैराग्राफ में कहा है कि एवरी थिंग वॉज गोइंग टू बी चेंज आफ्टर दैट कि हर चीज़ इसके बाद चेंज होने जा रही होती है चेंज होने जा रही है बिकॉज आपकी लाइफ में कोई ना कोई मोमेंट को, कोई ना कोई मोमेंट कोई ना कोई, कोई इवेंट ऐसा होता है जिसके बारे में आप एक्साइटेड भी बहुत होते हैं और जो आपकी लाइफ में चेंजेस भी लेके आता है आपको बदल के भी रखता है तो ये जो ये करने जा रही थी इस चीज ने इसको बहुत डेयरिंग बना दिया बहुत कॉन्फिडेंट बना दिया क्या कहती है आसमान और स्काई के बारे में अपनी फीलिंग्स कैसे बयान करती है लाइक हर फीलिंग्स हाउ गॉड चेंज्ड देन आई सॉ वट आई हैड नेवर सीन बिफोर विल नेवर सी अगेन एंडलेस स्काई एंड अर्थ इन कलर्स एंड टेक्सचर वन हैड एवर डिस्क्राइब बिकॉज उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ स्काई के साथ नेचर के साथ यूनिवर्स के साथ कायनात के साथ तो कहती है कि इतना खूबसूरत और इतनी सारा जो मैंने टेक्सचर आसमान के देखे इतने तो कभी किसी ने नहीं बयान किए थे इतना खूबसूरत तरीके से तो ये उसकी फीलिंग्स हैं कि शी स्टार्ट लविंग एवरी थिंग शी स्टार्ट लविंग नेचर उसे सब कुछ अच्छा लगने लग गया इतना अच्छा लगने लग गया कि उसने उसको पैराशूट को एक ट्वाइस समझ लिया कि ना शी वॉज फीलिंग वेरी लाइट फीलिंग वेरी ईजी एंड शी वॉन्टेड टू स्टे पिन इन द एयर एंड स्टॉप द ग्राउंड कमिंग ग्राउंड फ्रॉम कमिंग क्लोजर टूवर्ड्स मी उसकी फीलिंग्स कैसे एक बम्बास्टिक वे में एक खूबसूरत और मतलब आइडियलिस्टिक वे में हमारे लिए एक ग्रेट मैसेज छोड़ रही है कि वो चाह रही थी कि वो अब हवा में ही रहे लाइक शी वॉन्टेड टू इन्जॉय इट शी वॉन्टेड टू कीप दिज मोमेंट इन अवर पॉकेट शी वॉन्टेड टू कीप दिज मोमेंट स्टे लॉन्गर कि मैं चाहती थी कि हवा में रुक जाऊं और ये जमीन जो है ये करीब ना आए वो उन लम्हों को मजीद इंजॉय करना चाहती थी और यही चीज जो है हमने उसका इफेक्ट में भी हम लिख सकते हैं कि उसके ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट कितना आया उसकी फीलिंग्स में चेंज कितना आया उसकी पर्सनालिटी में आउटलुक में आउटलुक टुवर्ड्स नेचर में ओपिनियन टुवर्ड्स नेचर में कॉन्सेप्ट टुवर्ड्स नेचर में कितना चेंज आया इस इवेंट ने उसे कितना इंस्पायर किया एंड एट द सेम मोमेंट

ये हमें बताने ही तो आते हैं कि हमारा मेंटल कैलेबर कितना है जैसे दीज आर वेकेशन टाइम पीरियड है तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी कॉलेज में हो सकता है उन्होंने बहुत अच्छे एग्ज की हुई हो लेकिन इस टाइम पीरियड ने उन्हें लेजी और डल कर दिया हो और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्टेमिना इंक्रीज हो गया हो और उन्होंने और बहुत कुछ करना स्टार्ट कर दिया हो सो दिस इज़ द टाइम टू मेक और मार योर डेस्टनी सो ट्राई टू मेक योर डेस्टनी इन अ बेटर वे इन द बेस्ट वे ओके दैट दैट वॉज ऑल्सो द मैसेज आई वॉज गिविंग यू कनेक्टेड टू दिस एंड हेयर ऑन द स्लाइड वी कम टू दिस मैसेज ऑफ दिफ शी दस प्रूव इवन द लीस्ट प्रामिसिंग पीपल दाकिस्ट कुड डू इट यानी कुड जम्प उसने इतना स्ट्रांग और पावरफुल मैसेज दिया कि वो लेफ्टिनेंट जो रिटायर्ड था वो भी जान लेगा कि इवन द लीस्ट प्रॉमिसिंग पीपल द कुड कु जम्प इतनी वीक इतनी कावर्ड इतनी ऑकवर्ड टाइप जो उसकी शागिद थी जिसको उसने ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस दी थी पैराशूट जम्पिंग के लिए वो भी ये कर सकती थी यहां एक बहुत स्ट्रांग ऑप्टिमिज्म है स्ट्रांग मैसेज है स्ट्रांग लाइक like, uh, एक लेसन uh, है फॉर ऑल द पीपल हु से आई कॉन्ट डू दिस ये नहीं हो सकता मेरे से ये नहीं कर पाऊंगा दिस इज फॉर ऑल ऑफ देम दैट एवरी थिंग कैन बी डन बाई ह्यूमन बींग्स इफ यू डिसाइड एंड गेट रेजोल्यूशन रेजोल्यूटेड और इफ यू गेट डिटर्मन टू इट द वेरी फर्स्ट थिंग एट दैट यू प्रिपेयर योर सेल्फ जब आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं मेंटली फिजिकली कि आपने ये करना है एंड देन यू स्टिक टू इट बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ वन इज डिटर्मन एंड रेजोल्यूट इनफ टू डू इट वो कहती है कि उसने प्रेशर फील किया जब उसे हवा में धकेला गया तो उसे ऐसा लगा कि जैसे मुझे पानी में डाल दिया गया है और मुझे खुद ही कुछ करना है इससे निकलने के लिए ये वाली फीलिंग्स जो हैं उसकी कब पैदा होती हैं जब वो उसे कैसना में बिठा देते हैं एंड शी फील लाइक मुझे ये फीलिंग्स आ रही हैं कि पानी में मुझे डबो दिया गया है और मुझे इसमें से खुद ही निकलना है लाइन्स uh, जो हैं आई कोट मुझे पानी में धकेल दिया और कहा कि अब चलना है तो ये एडवर्स पीरियड था उसके लिए जिसने उसे सिखा दिया कि यस यू कैन डू इट और इसी तरह एडवर्सिटी हम सबको भी सिखाती है सो दिस वॉज अ ग्रेट मैसेज एंड आई होप देट वॉज अ वेरी यूजफुल लेक्चर फॉर टूडे स्टे कनेक्ट